नमस्कार, मैं कपीश भल्ला और आप देख रहे हैं उदयपुर खबर। शहर के आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में होने वाले धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक और पारंपरिक कार्यक्रमों में अनुरूप डीजे साउंड के माध्यम से होने वाले कार्यक्रम में खुशी का माहौल को चार गुना बढ़ाने के तहत संगीतमय बनाते हुए नाचने वाले को भी, न नाचने वाले को भी फिर नाचने के लिए मजबूर करने वाले डीजे ऑपरेटर एसोसिएशन के सभी सदस्य आज अपनी पीड़ा को लेकर जिला कलेक्ट्री के बाहर एकत्रित हुए। एसोसिएशन के अध्यक्ष रूपलाल मेनारिया ने बताया कि एसोसिएशन के सदस्यों ने बैंक से लाखों रुपए का लोन लेकर महंगी लारी और लाखों रुपये की लाइटिंग और साउंड लगवा कर अपना व्यवसाय करते हुए अपने घर का पालन करने के साथ ही बैंक की किस्तों को भी जमा कराने का काम किया जा रहा था। लेकिन पिछले कुछ दिनों से संबंधित ग्रामीण क्षेत्रों में थाने में तैनात पुलिसकर्मियों द्वारा घरों के बाहर खड़ी लारियां को थाने में ले जाकर जब्त करने के साथ ही लारी में लगे साउंड और लाइट को खुलवाने का काम किया जा रहा है। जबकि कई दिनों से न तो वैवाहिक कार्यक्रम हो रहे हैं, न सामाजिक कार्यक्रम जिसके अंतर्गत काम किया जा सके, जिसके चलते वैसे ही व्यवसाय न चलने की वजह से आर्थिक स्थिति खराब हो रही है। और इसके दूसरी ओर पुलिस द्वारा की जा रही कार्रवाई के चलते डीजे ऑपरेटर आर्थिक मार झेलने को मजबूर हो रहे हैं। हमारे जो डीजे व्यवसाय वाले जितने भी भाई लोग हैं वो सारे ग्रामीण क्षेत्र से हैं और सभी अभी जो डीजे का जो नियम निकला है कि भाई डीजे नहीं चलाने दे रहे, तो उसके विषय में हम ज्ञापन देने आए हैं कि हम सारे जो है ग्रामीण क्षेत्र से हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि किसी ने लोन ले रखे हैं और इस तरह से सब व्यवसाय चला रहे हैं और मैं यही कहना चाह रहा, रोजगार इनके पास कुछ है नहीं है, तो उसी से सारा काम काज चल रहा है। तो यही कहना चाहूँगा मैं कि सबका ये जो ज्ञापन दे जो सरकार परमिशन देवे और एक टाइम देवे, उस टाइम के अंतराल हम काम करेंगे और बोर्ड की परीक्षा है उनको भी मद्देनजर रखते हुए सारा जो है ये काम हम नियम को फॉलो करके ये काम करना चाहते हैं। किस तरह पुलिस की कार्रवाई करते हैं, क्या करते हैं बंद हुई गाड़ी को घर से, मतलब कहीं कहीं से तो बोल फोन करते हैं कि भाई तो गाड़ी कहाँ पड़ी है, और बहुत सारी दो चार जगहों से तो गाड़ियाँ भाई टोक के ले गए थाने में और इस प्रकार से ये जो हो रहा है घर पे आके सामान खुलवा रहे हैं। घर पे खड़ी गाड़ियों को भी क्या उठाया जा रहा है क्या? हाँ, कहीं कहीं से उठाई है। हम बहुत पूरे जिले से आए हुए हैं, देखो अलग अलग क्षेत्र से आए हैं। आप क्या मांग करते हैं, क्या, 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 क्या? हम तो ये चाह रहे हैं कि हमारी रोजी रोटी हमको मिल जाए। देखो बहुत सारे कितने लोन ले रखे हैं तो उनका लोन की किस्त भी आती है और उनके पास देखो पढ़े लिखे भी नहीं है बहुत सारे लोग और एक दूसरे से जुड़े हुए हैं व्यवसाय ये, तो मैं हमारे यही अनुरोध है सबकी कि जो वापस इनको वापस चालू कराया जाए और एक टाइम भी भले टाइम दिया जाए, उस टाइम के अनुसार हम काम करेंगे। नाम बता दीजिए। मेरा नाम मदन लाल है।